हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम क्या डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे है ना कंप्यूटर नेटवर्क का जो भी जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करें। ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जो भी क्वेश्चन, ठीक है, छोटा बड़ा जो भी क्वेश्चन है सब यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कह रहे हैं यहाँ पे, दवा कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इज कॉल्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। सो इसका आंसर क्या है ना, ए, दैट इज इंटर नेटवर्क। ओके, सो इंटर नेटवर्क का मतलब क्या है ना, इंटर नेटवर्क और नेटवर्क इज फॉर्म्ड व्हेन वी कनेक्ट ए लैन एंड वन और टू लैंस टू ईच अदर। ओके, समझ आ गया। मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इज कॉल्ड इंटर नेटवर्क। मतलब यहाँ पे क्या है ना, आइदर लैन वन दोनों एंड टू लैन, ओके, इसको हम कनेक्ट करेंगे ना, ईच अदर, कनेक्टेड ईच अदर, ओके, देन इट फॉर्म्स इंटर नेटवर्क। सो दैट इसका आंसर क्या होगा, ओनली लैन नहीं होगा, मैन नहीं होगा, वन नहीं होगा, ओनली आएगा आपका इंटर नेटवर्क। मतलब इंटर नेटवर्क का मतलब क्या है ना, लैन वन आएगा, ठीक है, और टू लैन आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या आएगा, ISP स्टैंड्स फॉर, ISP क्या है यहाँ पे देखिए, ISP, सो इसका आंसर होगा आपका सी, आंसर सी, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, सो नेक्स्ट चलिए थर्ड इज नेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP नेटवर्क आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय प्राइवेट स्विचिंग नेटवर्क इज कॉल्ड, इसका आंसर क्या होगा आपका, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। ओके, यहाँ पे क्या है ना, नेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ओके, जो कि नेटवर्क आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय प्राइवेट स्विचिंग नेटवर्क। ओके, सो ISP जो नेटवर्क है वो कनेक्टेड टू वन अनदर, ओके, बाय प्राइवेट स्विचिंग नेटवर्क, सो दिस इज कॉल्ड आवर नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। ओके, तो नेक्स्ट चलिए फोर में क्या है, देखिए यहाँ पे, द नेटवर्क दैट प्रोवाइड हाई स्पीड कनेक्टिविटी और ट्रांसमिशन स्पीड इज कॉल्ड, द नेटवर्क दैट प्रोवाइड हाई स्पीड कनेक्टिविटी और ट्रांसमिशन स्पीड, इसका आंसर क्या होगा, बी, जो कि लैन, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो स्पीड और स्ट्रॉन्गर वो कौन है ना, देखिए यहाँ पे प्रोवाइड हाई स्पीड कनेक्टिविटी और ट्रांसमिशन स्पीड, ओके, इसका आंसर होगा आपका बी, ठीक है, जो कि लैन, लैन का मतलब फुल फॉर्म क्या है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, ये हो गया आपका बहुत ही स्पीड वाला, स्पीड, ओके, स्पीड एंड ट्रांसमिशन, हाई स्पीड कनेक्टिविटी और ट्रांसमिशन स्पीड। ओके, तो नेक्स्ट आ गया आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, ओके, इसका आंसर क्या होगा, हाँ, इसका आंसर होगा आपका बी, ये भी आपका लैन ही है। मतलब यहाँ पे देखिए लैन का मतलब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे लैन का मतलब क्या है ना, हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड ट्रांसमिशन स्पीड, बट यहाँ पे क्या है ना, जो लैन है वो भी आपका नेटवर्क इज स्मॉल एंड सिंगल साइट नेटवर्क, ओके, दैट कवर स्मॉल साइट एरिया सच एज ए सिंगल बिल्डिंग और कैंपस अप टू ए फ्यू आइकन रेंज। ओके, मतलब इसके लिए इसका नेम हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये नेटवर्क इज़ वेरी स्मॉल एंड सिंगल साइड नेटवर्क। ओके, सो नेक्स्ट चलिए नंबर सिक्स, सो कॉमन लैन टोपोलॉजी आर, कॉमन लैन टोपोलॉजी किसको हम कहेंगे, देखिए, हाँ देखिए यहाँ पे जो ट्रांसमिशन स्पीड है ना, ट्रांसमिशन स्पीड में फास्ट हो गया आपका लैन, ठीक है, देन आएगा आपका मैन, देन आएगा आपका वन, ठीक है। मैन का मतलब क्या, फुल फॉर्म क्या है ना यहाँ पे, मेट्रोपॉलिटन एरिया, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ओके, एंड वन का मतलब फुल फॉर्म क्या है ना, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया, वाइट एरिया नेटवर्क। ओके, यहाँ पे स्पेस बहुत ही कम है, सो ये हो गया आपका।
लैन इज ग्रेटर देन मैन देन ग्रेटर वन, ठीक है। हाँ तो सिक्स में क्या है ना, सिक्स में क्या है, कॉमन लैंड टोपोलॉजी, इसका आंसर होगा आपका। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है बॉस एंड रिंग, ठीक है ये है, देन मेस एंड रिंग, ये नहीं है, मेस नहीं है तो स्टार ही है, सो बॉस रिंग एंड स्टार, ये होगा आपका कॉमन लैंड टोपोलॉजी। ओके तो चलिए नेक्स्ट। ओके सो नेक्स्ट इज आवर सेवन इज ए प्रोटोकॉल ईच। ओके प्रोटोकॉल क्या है, तो फास्ट क्या है ना आपका, यहाँ पे देखिए फास्ट ऑप्शन क्या है, ए सेट ऑफ रूल्स ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट एंड डी टी इज आर टू कम्युनिकेट, ये हो गया आपका प्रोटोकॉल, मतलब ये हो गया आपका आंसर। ओके ए सेट ऑफ रूल ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट एंड डी टी इज आर टू कम्युनिकेट, ओके दिस इज कॉल्ड आवर प्रोटोकॉल। ओके दैट इज द प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डाटा कम्युनिकेशन। ओके मीन्स दैट गवर्न डाटा कम्युनिकेशन। ओके तो नेक्स्ट चलिए एट, द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन व्हिच ट्रांसमिशन ऑफ डाटा टेक प्लेस इन बोथ डिरेक्शन बोथ डिरेक्शन बट इन वन डिरेक्शन एट द टाइम ईच, ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे आंसर आपका हो गया सी, दैट इज़ हाफ डुप्लेक्स, मतलब यहाँ पे क्या है देखिए, द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन व्हिच ट्रांसमिशन ऑफ डाटा टेक प्लेस इन बोथ डिरेक्शन बट इन वन डिरेक्शन एट ए टाइम। ओके ट्रांसमिशन टेक्स बोथ डिरेक्शन बट वन डिरेक्शन एट ए टाइम। ओके सो ये कहाँ पे है ना, हाफ डुप्लेक्स में, ठीक है तो ये हो गया आपका आंसर क्या, हाफ डुप्लेक्स। तो नाइन में क्या है देखिए, द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन व्हिच ट्रांसमिशन ऑफ डाटा टेक्स प्लेस इन बोथ डिरेक्शन एट द सेम टाइम ईच, मीन्स सेम टाइम में बोथ डिरेक्शन में टेक प्लेस होगा, तो ये क्या होगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर क्या है ना, फुल डुप्लेक्स। ओके हाफ डुप्लेक्स में एट ए टाइम वन डिरेक्शन में जा रहा है और फुल डुप्लेक्स में एट ए टाइम बोथ डिरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया आपका टेन, टेन क्वेश्चन क्या है ना, द टेलीफोन नेटवर्क इज़ ए गुड एग्जांपल ऑफ, क्या है देखिए, टेलीफोन नेटवर्क आपका हो गया फुल डुप्लेक्स, मतलब यहाँ पे क्या है ना, व्हेन टू पीपल आर कम्युनिकेट ओके बाय टेलीफोन लाइन देन बोथ कैन टॉक एंड लिसन एट द सेम टाइम, ठीक है मतलब सेम टाइम में कम्युनिकेशन बोथ डिरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, बोथ कैन टॉक एंड ऑल्सो बोथ आर लिसन एट द सेम टाइम। ओके टक एंड लिसन ये दो डायरेक्शन हो गए, दिस इज सेम टाइम में हो रहा है, ठीक है सो आपका टेलीफोन हो गया आपका फुल डुप्लेक्स। ओके तो चलिए नेक्स्ट आपका क्या हो गया ना, इलेवन, इलेवन में क्या है ना, कीबोर्ड एंड मॉनिटर इज अ गुड एग्जांपल ऑफ, क्या है यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा ए सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मतलब क्या है ना यहाँ पे, सिंप्लेक्स इज अ यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन, मतलब वन डायरेक्शन में जा रहा है ये, ठीक है इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब क्या है ना, यूनि डिरेक्शनल। ओके तो नेक्स्ट चलिए ट्वेल्व, ट्वेल्व में क्या है ना, व्हिच मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड व्हेन देयर इज नो नीड फॉर कम्युनिकेशन इन बोथ डिरेक्शन एट द सेम टाइम, मतलब यहाँ पे क्या है ना, व्हिच मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड व्हेन देयर इज नो नीड फॉर कम्युनिकेशन इन बोथ डिरेक्शन एट द सेम टाइम, इसका आंसर क्या होगा ना आपका, हाफ डुप्लेक्स में। ओके यहाँ पे देखिए, नो नीड फॉर कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शन, मतलब सेम एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम में हाफ डुप्लेक्स में क्या है, एट सेम टाइम में वन ही डायरेक्शन में जा रहा है, नॉट बोथ डायरेक्शन, ठीक है, बट सिंप्लेक्स में ओनली वन डायरेक्शन हो रहा है, ठीक है, एंड फुल डुप्लेक्स में बोथ डायरेक्शन, ठीक है, सो यार इसका आंसर हो जाएगा आपका हाफ डुप्लेक्स, मतलब एट द सेम टाइम दिस इज द कम्युनिकेट ओनली वन डायरेक्शन नॉट टू डायरेक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए थर्टीन, इन ए बोर्ड सेंस ए रेलवे ट्रैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज योर हाफ डुप्लेक्स, मतलब रेलवे ट्रैक इज एन एग्जाम्पल इन ए बोर्ड सेंस, मतलब ये आपका कम्युनिकेट कर रहा है ओनली वन डायरेक्शन का, ठीक है तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका हाफ डुप्लेक्स, ठीक है हाफ डुप्लेक्स। ओके तो नेक्स्ट चलिए
14 में क्या है ना, ए सेट ऑफ डिवाइस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक इज कॉल्ड ए सेट ऑफ डिवाइस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक, इसका आंसर होगा नेटवर्क। ओके, मतलब इसका आंसर हो गया आपका ए। ओके, सो नेक्स्ट हो गया आपका नोड। नोड्स आर अनदर नेम ऑफ, नोड का अनदर नेम क्या है ना यहाँ पे, डिवाइस। ओके, नोड का अनदर नेम हो गया आपका डिवाइस। सो ये क्या है, देखिए ए नोड कैन बी ए कंप्यूटर, ओके प्रिंटर और ओनली सॉरी और एनी अदर डिवाइस दैट सेंड और रिसीव डाटा जनरेटेड बाय अदर नोड ऑन द नेटवर्क। ओके, समझ आ गया। ए नोड कैन बी ए कंप्यूटर प्रिंटर और एनी अदर डिवाइस दैट सेंड एंड और रिसीव ओके डाटा जनरेटेड बाय अदर नोड इन द नेटवर्क। सो दिस इज द नोड। ओके, नोड आर द अनदर नेम ऑफ डिवाइस। ओके, सो चलिए नेक्स्ट इज आवर 16। ए कनेक्शन दैट प्रोवाइड्स ए डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइस। डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइस, इसका क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट। ओके, तो नेक्स्ट चलिए 17 में क्या है ना, ए कनेक्शन इन व्हिच मोर दैन टू स्पेसिफिक डिवाइसेस शेयर ए सिंगल लिंक इज कॉल्ड। ए कनेक्शन इन व्हिच मोर दैन टू स्पेसिफिक डिवाइसेस शेयर ए सिंगल लिंक। ओके, इसको हम क्या कहेंगे ना, मल्टी पॉइंट। ठीक है, ए कनेक्शन इन व्हिच मोर दैन टू स्पेसिफिक डिवाइसेस शेयर ए सिंगल लिंक, एक ही लिंक में मोर दैन टू डिवाइस कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसको हम कहेंगे मल्टीपल सॉरी मल्टी पॉइंट। नेक्स्ट चलिए 18 में क्या है ना, द ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड आवर टॉपोलॉजी। ओके, ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क दिस इज कॉल्ड आवर टॉपोलॉजी। ओके, सो नेक्स्ट हो गया आपका, इसका आंसर होगा ए, ये टॉपोलॉजी। ठीक है, तो 19 में क्या है ना, ए टॉपोलॉजी इन व्हिच एवरी नोड हैज ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू ऑल नोड्स विद इन द नेटवर्क दिस इज कॉल्ड, मतलब यहाँ पे क्या है ना, इन टॉपोलॉजी इन व्हिच एवरी नोड हैज ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू ऑल नोड्स विद इन द नेटवर्क दिस इज कॉल्ड आवर मेस। ओके, सो नेक्स्ट आ गया आपका, ए टॉपोलॉजी दैट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स टू ए सेंट्रल हॉब इज कॉल्ड आवर स्टार। ओके, कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डिवाइस कनेक्टेड बाय, यहाँ पे क्या है ना, टोपोलॉजी इन व्हिच एवरी नोड हैज ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू ऑल नोड्स, ठीक है, विद इन द नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या है ना, इसको हम कहेंगे मेस। तो यहाँ पे क्या है ना, 20 नंबर में ए टोपोलॉजी दैट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू ए सेंट्रल हॉब। ओके, इसको हम कहेंगे क्या ना, यहाँ पे है ना विद इन द नेटवर्क, ठीक है, यहाँ पे हो गया सेंट्रल हॉब, इसको हम कहेंगे स्टार। ठीक है, सो नेक्स्ट आएगा ए टॉपोलॉजी दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस, ओके कनेक्टेड बाय कनेक्टर और मेन केबल, इसको हम क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बॉस। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो इन स्टार टोपोलॉजी में क्या है ना, स्टार टोपोलॉजी डिवाइसेस आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू अदर, ये जो स्टार डिवाइस है ना, ये दिस डिवाइस आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू वन अनदर। ठीक है, तो चलिए तो 21 हो गया आपका बॉस, दैट इज आवर द टोपोलॉजी दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कनेक्टर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड आवर बॉस। तो चलिए नेक्स्ट क्या है ना, 22, ए टॉपोलॉजी इन व्हिच ईच डिवाइस हैज ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन विथ ओनली द टू डिवाइस ऑन आइदर साइड ऑफ इट। सो दिस इज कॉल्ड आवर बी, जो कि रिंग। ठीक है, समझ आ गया, रिंग क्या है, मेस क्या है, स्टार क्या है, बस क्या है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट 23 में क्या है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट क्या है आपका, मेस। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए
24 हो गया हम, सॉरी, ये मेस तो नहीं है ना, मल्टीपल पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस किए थे ना, क्या था यहाँ पे, देखिए मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड यहाँ पे हो गया बॉस, तो इसका आंसर होगा बॉस, सॉरी मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये नहीं मेस नहीं बॉस, यहाँ पे हम किए थे ना कि मल्टीपल पॉइंट क्या है ना बॉस, ठीक है। देन 24 चलिए, द टोपोलॉजी दैट कवर सिक्योरिटी रोबोस्ट एंड एलिमिनेटिंग द ट्रैफिक फैक्टर और कंट्रोल इज नोन आज, इसका आंसर होगा स्टार, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी यूजेस ए सेंट्रल हॉब, सेंट्रल हॉब किसके लिए यूज होता है, देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्टार, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया है कम्युनिकेशन पाथवे दैट सेंड्स डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दिस इज कॉल्ड आवर लिंक, ओके ठीक है ना, कम्युनिकेशन पाथवे दैट सेंड डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दिस इज आवर कॉल्ड लिंक, ओके। सो नेक्स्ट आ गया 27 में क्या है, देखिए द स्टार टोपोलॉजी इज लेस एक्सपेंसिव डन मेस, ओके फर्स्ट आएगा मेस देन स्टार, ओके। नेक्स्ट चलिए 28, डिफिकल्ट रिकनेक्शन एंड ट्रबल शूटिंग, ओके आर डिसएडवांटेजेस ऑफ, इसका होगा बॉस टोपोलॉजी, दिस इज अ डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉस टोपोलॉजी, मतलब आप क्या है ना डिफिकल्ट रिकनेक्शन एंड ट्रबल शूटिंग, ये सब हो गया आपका बॉस टोपोलॉजी का डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया आपका द कनेक्शन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी आर कॉल्ड, इसका आंसर होगा हाइब्रिड, कनेक्शन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी, इसका आंसर हो गया आपका हाइब्रिड, ओके। देन नेक्स्ट आ गया इन व्हिच टोपोलॉजी ए रिपीटर इज यूज्ड, इन व्हिच टोपोलॉजी रिपीटर इज यूज्ड, इसका आंसर क्या होगा रिंग, रिंग में रिपीटर यूज हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए OSI रेफरेंस मॉडल स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है ओके। तो चलिए नेक्स्ट आपका क्या आ गया 32 में क्या है ना द OSI मॉडल इज कंपोज हाउ मेनी लेयर, इसका आंसर हो जाएगा आपका मतलब 7 लेयर, ठीक है। चलिए 33 में क्या है ना व्हिच लेयर इज नॉट प्रेजेंट इन OSI रेफरेंस मॉडल, देखिए OSI में 7 लेयर है बट यहाँ पे क्या है ना फिजिकल लेयर, यहाँ पे देखिए ये जो नेक्स्ट यहाँ पे जो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना यहाँ पे आपका यहाँ पे देखिए ये जो OSI मॉडल में कितना लेयर है ये 7 लेयर, तो आपका मन में क्वेश्चन ये आएगा ये लेयर का नेम क्या क्या है, तो ये मैं यहाँ से नहीं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सब जान जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन जो अरेंज हो रहा है ना यहाँ पे सब आपका जो क्वेश्चन मन में आया है एक क्वेश्चन रीड करने के बाद वो क्वेश्चन फिर आपका अगले क्वेश्चन में हो जाएगा, ठीक है, वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है ना व्हिच लेयर इज़ नॉट प्रेजेंट इन OSI रेफरेंस मॉडल, तो इसका आंसर क्या है ना ये जो इंटरनेट लेयर है ये OSI में नहीं होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कौन कौन लेयर है, फिजिकल लेयर होगा, एप्लीकेशन लेयर होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा डी, जो कि इंटरनेट लेयर यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे मन में क्वेश्चन आया है ना ये 7 लेयर क्या क्या है, तो आपको अब 3 लेयर मिल गया आपको यहाँ से, फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, बट इंटरनेट लेयर नहीं है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्या है ना ए सेट ऑफ इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल दैट अलाउज कम्युनिकेशन अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसर नेटवर्क इज नोन आज, इसको क्या कहेंगे हम, देखिए TCP और IP दैट इज ए सेट ऑफ इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल दैट अलाउज कम्युनिकेशन अक्रॉस मल्टीपल डाइवर्स नेटवर्क, ओके दिस इज कॉल्ड TCP और IP। तो यहाँ पे मन में आ जाएगा कि TCP IP ये क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए है ना TCP और IP स्टैंड्स फॉर क्या है, इसका आंसर होगा एजा, जो कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओके। TCP मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ओके।
एंड आईपी हो गया आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए, टीसीपी और आईपी इज कंपोज ऑफ हाउ मेनी लेयर्स, यहाँ पे आ गया हाउ मेनी लेयर्स। सो इसका आंसर होगा यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे फोर लेयर, ठीक है, फोर लेयर, यहाँ पे मैं मार्क नहीं किया ना, का ये हो गया आंसर, यहाँ पे आंसर एट है, ठीक है। तो 36 में क्या हो गया आपका, फोर लेयर, ठीक है। देन चलिए नेक्स्ट क्या है, 37, व्हिच इज द लोएस्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, लोएस्ट लेयर, फोर लेयर है, तो आपका मन में ये आया था कि फोर लेयर, ये फिर क्या क्या है ये लेयर, ठीक है। यहाँ पे 37 क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आ गया आपका आंसर, ठीक है, डाउट आ गया, डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या है ना, लोएस्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, मतलब इसका लोएस्ट लेयर क्या है, तो इसका आंसर होगा फिजिकल लेयर, ठीक है। सो यहाँ पे चार ही ऑप्शन है, तो आपका चार ही लेयर है ओएसआई मॉडल का, तो हो गया यहाँ पे डाटा लिंक, एप्लीकेशन, नेटवर्क, फिजिकल, ठीक है। तो आपका लोएस्ट लेयर क्या हो गया, फिजिकल लेयर। सॉरी, ये सब लेयर नहीं है आपका, फिजिकल इज द लेयर जो कि आपका लोअर लेयर में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया आपका 38 में, कहना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, तो इसका आंसर क्या होगा ना, सी, एप्लीकेशन, ठीक है, ये आ गया आपका टॉप लेयर, ठीक है। देन ओएसआई, व्हिच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल ट्रांसमिट्स रॉ बिट ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल, इसका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे फिजिकल लेयर में, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए, व्हिच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल डिवाइड्स द स्ट्रीम ऑफ बिट रिसीव फ्रॉम द नेटवर्क, यहाँ पे क्या है ना, ट्रांसमिट रॉ बिट ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल, इसका आंसर होगा फिजिकल। यहाँ पे क्या है ना, स्ट्रीम ऑफ बिट रिसीव फ्रॉम नेटवर्क लेयर इनटू डाटा फ्रेम, तो इसका आंसर क्या होगा ना, आपका आंसर सी आ जाएगा, डाटा लिंक, ठीक है। तो डाटा लिंक में क्या है ना, डाटा लिंक लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम फ्रॉम वन नोड टू नेक्स्ट, ठीक है, समझ आ गया, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए 41, व्हिच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल डिफाइंस द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम बिटवीन टू डिवाइसेस, इसका आंसर हो गया बी, यहाँ पे आंसर में लिख ही दिया ही, जो कि फिजिकल, ठीक है। तो फिजिकल लेयर क्या है ना, फिजिकल लेयर जो है वो डिफाइन करता है क्या कि डिरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन टू डिवाइस, ठीक है। फिजिकल लेयर जो है ना, ये आपका डिफाइन करता है क्या, डिरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन टू डिवाइस, यहाँ पे जो ट्रांसमिशन है वो क्या क्या है ना, सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स, ओके, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, हो गया। सो इट ऑल्सो कंसर्न विथ कनेक्शन ऑफ डिवाइस टू मीडिया, ओके, कनेक्शन ऑफ डिवाइस टू मीडिया, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, फिजिकल लेयर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए 42, में कहना व्हिच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेडिकेशन एंड करेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एरर यूजिंग एरर करेक्शन मेथड, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, डाटा लिंक, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए, व्हिच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू द होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट, इसका आंसर होगा आपका नेटवर्क, ठीक है। देन नेक्स्ट आ गया, व्हिच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल प्रोवाइड्स हॉप टू हॉप मींस नोड टू नोड डिलीवरी, इसका आंसर होगा फिजिकल। तो आपको मिल गया जो फोर लेयर था, क्या क्या है, एक आ गया फिजिकल, ठीक है, यहाँ पे आ गया नेटवर्क, और क्या था, डाटा लिंक, ठीक है, समझ आ गया ना, यहाँ पे था ना ये जो डाटा लिंक यहाँ पे है 40 में जो आंसर था डाटा लिंक, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 38 में एप्लीकेशन लेयर, ठीक है।
समझ आ गया। तो यहाँ पे जो 37 में जो ऑप्शन में जो जो लिंक लेयर था ना, ये सब आपका 4 लेयर है किसका, OSI मॉडल का, ठीक है। पर 38 में जो ऑप्शन में था कि ट्रांसपोर्ट सेशन, ये नहीं, ये दोनों नहीं है, और प्रेजेंटेशन ऑल्सो, ओके, यहाँ पे लेयर ओनली एप्लीकेशन ही है, ठीक है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना हो गया 44 का, 44 क्वेश्चन MCQ अबाउट किसका, अबाउट कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है। तो ये जो भी क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस किए थे ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ये अच्छे से देखना है और रिमेम्बर करना है, ठीक। हाँ, और देखिए, सॉरी फॉर दैट कि मैं यहाँ पे बोल दिया, थोड़ा मेरा भी मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ये जो OSI यहाँ पे था, OSI मॉडल, ठीक है, इसका लेयर 4 नहीं है, OSI मॉडल का कितना लेयर है ना, 7 लेयर, यहाँ पे हम 7 लेयर, ओके। बट यहाँ पे हम जब डिस्कस किए थे, ये TCP का 4 लेयर, ठीक है, तो OSI मॉडल का 7 लेयर है, जो कि आपका आ गया यहाँ पे डाटा लिंक एप्लीकेशन नेटवर्क फिजिकल, देन आ गया सेशन, एंड ऑल्सो आपका आ जाएगा प्रेजेंटेशन एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, 7 लेयर, मतलब डाटा लिंक आ गया, ठीक है, ये जो है डाटा लिंक, देन एप्लीकेशन नेटवर्क फिजिकल, देन यहाँ पे प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट, ये हो गया 7 लेयर ऑफ OSI, ठीक है। पर सॉरी फॉर दैट कि ये मेरा जो मिस्टेक हो गया, इसके लिए बहुत ही सॉरी मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना हो गया, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो अच्छे से देख लीजिए, जो भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोटली मैंने छोटा बड़ा जो भी क्वेश्चन है ना कंप्यूटर नेटवर्किंग के साथ, ये सब मैं यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना हो गया, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।